हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटकुंडली। जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं या फिर प्रेगनेंसी की ट्राई करते हैं और सामने अगर पपीता है तो हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है, क्या पपीता खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी कि क्या पपीता प्रेगनेंसी में और अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर खाना सेफ है या नहीं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो जो पका हुआ पपीता होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, भरपूर मात्रा में उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, साथ ही साथ इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है जो कि हमारे हेयर के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। इसके साथ ही साथ ये फाइबर रिच प्रोडक्ट होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करता है ताकि हमारा उससे पेट साफ रह सके। साथ ही साथ इसमें फॉलिक एसिड रहता है। फॉलिक एसिड एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट रहता है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो सारे न्यूट्रिएंट आपको अच्छे अमाउंट में केवल पपीता में मिल जाते हैं। लेकिन जो भी न्यूट्रिशियस मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ पके हुए पपीते के बारे में। अभी पपीता दो तरीके से मिलता है, एक होता है पका हुआ पपीता और दूसरा होता है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते के अंदर लैटेक्स और पपेन नाम के दो एंजाइम पाए जाते हैं। ये दोनों एंजाइम जो रहते हैं ये अर्ली प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन प्रोसेस को होने नहीं देते हैं। इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूट्रस है, ये एक ओवरी है, ये दूसरा ओवरी है, ये एक फेलोपियन ट्यूब है, ये दूसरा फेलोपियन ट्यूब है और ये सर्विक्स है। जब ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवरी में से अंडा निकलता है, फिर जब शुक्राणु आकर उससे मिलता है, फिर उसको फर्टिलाइज करता है, फिर वो फर्टाइल एग फेलोपियन ट्यूब को ट्रैवल करके जाकर यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, यहाँ पर जाकर जब वो चिपकता है तब प्रेगनेंसी आती है और इसी मोमेंट को कहा जाता है कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ है। ज़्यादा मात्रा में पपीता खाने से प्रेगनेंसी के समय एक्सेस बाउल मोमेंट होने की शिकायत होती है, यानी डायरिया की परेशानी होती है जिससे कि यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है जो कि प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कच्चा पपीता में पाए जाने वाले लैटेक्स और पपेन ये दोनों एंजाइम के कारण कई बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी गर्भाशय में संकुचन होना शुरू हो जाता है जिसके कारण से प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे तो पपीता को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, खासकर कच्चे पपीतों को तो पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए और साथ ही साथ फॉर द सेफ साइड प्रेगनेंसी में भी कच्चे पपीते को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको कंक्लूजन देती हूँ। जब भी हम पपीते को परचेज करते हैं तो हमको तो ये पता नहीं रहता है ना कि पपीता कच्चा है या फिर पका है। अगर वो हरा रंग का दिख रहा है तो दैट मीन्स वो कच्चा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आधा पका हुआ पपीता भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है और वो पूरी तरीके से पका हुआ दिखता है। पका हुआ पपीता थोड़े अमाउंट में खाना प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन आधा कच्चा पपीता या फिर पूरा कच्चा पपीता बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर जो लैटेक्स और पपेन एंजाइम होते हैं वो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब भी हम परचेज करते हैं पपीता तो हम इसकी कोई गारंटी लेके तो कोई देता नहीं है कि ये पपीता एकदम ही पका हुआ है। तो अच्छा बात ये होगा कि आप पपीते को अगली प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, और साथ ही साथ आप पूरे टाइम पीरियड अपना जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, इस टाइम पीरियड पर अगर आप पपीता को अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मुझे कौन से फल खाने चाहिए, कौन सी सब्जी खाने चाहिए कि नहीं, तो अगर आपके किसी भी फूड आइटम को लेकर कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।